एक और जहां 8 मार्च को पूरे देश में महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया गया, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा की बात कही गई, तमाम समाजसेवी संस्था और मानवाधिकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए, तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर में एक हैवान ने मासूम बच्चे को हवस का शिकार बना डाला। महिला सशक्तिकरण के दिन ये घटना कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में घटित हुई, जहां पड़ोस के रहने वाले 60 साल के अधेड़ ने 8 साल की मासूम को खेलने के बहाने अपने घर बुलाया। जब मासूम अधेड़ के घर पहुंची, तो हैवान ने उसको नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। परिजनों को जब तक इसकी जानकारी मिलती, तब तक हैवानियत के शिकार मासूम की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद मासूम को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं परिजनों ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत की और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ये बर्रा थाने में सूचना प्राप्त हुई थी, जो पीड़िता है उनके फादर के द्वारा ये तहरीर दी गई थी कि उनकी जो बच्ची है 8 साल की, उनके साथ रेप की घटना हुई है। उसमें थाना पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई। उसमें जो अभियुक्त हैं वो उनके पड़ोस में ही रहने वाले थे, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है। उनको पुलिस के द्वारा उसी टाइम पे अरेस्ट किया गया और आगे की उसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। और क्योंकि इसमें पॉक्सो एक्ट की भी संगत धाराएं लगी हैं, हम इसमें प्रयास करेंगे कि जल्द ही चार्जशीट इसमें दाखिल करके हम उसको कड़ी से कड़ी सजा दें। फिलहाल बर्रा थाने की पुलिस ने पीड़ित परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।